तक आ गया और इसमें अब तक कितने लोगों ने हिस्सा लिया है? देखिए, ये जो कैंप रखा था हम लोग ने श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन की तरफ से और महाराष्ट्र कामगार संगठन की तरफ से रखा था हम लोग ने, और बालाजी हॉस्पिटल इसमें टाइप था हमारे साथ में, तो हम लोग ने ये रखा था कैंसर पेशेंट के लिए और जो बाईपास सर्जरी है और किडनी के पेशेंट थे इनका चेकअप रखा था, और इनका जो भी कोई ट्रीटमेंट है वो बालाजी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ चार्ज हम लोग करा के देंगे स्कीम के थ्रू, और कुछ अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग मुख्यमंत्री निधि यूज़ करके भी उनका ट्रीटमेंट करेंगे। ये कैंप तो आज हम लोग का ख़त्म हो गया, सैकड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लिए, मगर इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग से वो रास्ता कायम करें, कॉन्टेक्ट करें, इरफान भाई है हम लोग उनका कोशिश पूरी करेंगे कि फ्री ऑफ चार्ज में ऑपरेशन भी हो और जो उनके है टेस्ट भी हो। अब तक इस कैंप का कितने लोगों ने लाभ उठाया है? पिछले दो दिनों से ये कैंप देख रहा हूँ मैं। नहीं, आज ही का दिन कैंप था। हाँ, आज ही लगा था, दो तीन दिन से हम लोग प्रचार कर रहे थे इसका। सुबह से कितने लोगों ने इसका लाभ उठाया? ये कुछ 100 के करीब पेशेंट आए थे और इसके अंदर कुछ 8-10 पेशेंट ऐसे थे जो क्रिटिकल थे, कुछ बच्चे के दिल में होल वगैरह था, और उनका भी हम लोग ने पूरी फाइल बनाई है और आगे उनका प्रोसीजर करेंगे हम। अच्छा, आने वाले वक्त में और इस तरह के कैसे मतलब क्या योजनाएं हैं? ये जैसे कि आपको मालूम है मुमरा के अंदर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल, तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता कि मुमरा की ज़रूरत है कि ऐसे कैंप लगाने की, और इंशाल्लाह हम लोग का टारगेट है कि हर 15 दिन के अंदर ऐसे हम लोग कैंप लगाएंगे। देखो, ये सर्दी जुकाम का तो हम लोग को दवा मिल जाती, वो कैंप लगा के कोई मतलब नहीं है। कैंप ऐसे कोई बड़े होने चाहिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इतने बड़े ऑपरेशन 4-5 लाख का हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग ने सोचे कि करना है तो कुछ बड़ा करें, इसलिए हम लोग ने खासदार श्रीकांत शिंदे से बात की है और श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन के तरफ से और बालाजी हॉस्पिटल के तरफ से हम लोग ने ये कैंप रखा, और इंशाल्लाह हम लोग इसके आगे भी और कैंप रखेंगे। इरफान भाई, जिस तरह से देखा गया कि आप ज़्यादातर मेडिक्लेम वालों के लिए हेल्प के लिए आगे आते हो, तो अभी इस वक्त ऐसे पेशेंट को क्या कहना चाहोगे जिनके पास किसी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है और उनको अचानक से जो है ऑपरेशन वगैरह की सुविधा नहीं हो पाती है, उनके लिए किस तरह की आप हेल्प कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले उनके जो राशन का आधार कार्ड, ये बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जो भी जो स्कीम के अंदर जो बैठता है महात्मा ज्योतिबा फुले और राशन कार्ड आधार कार्ड के ऊपर ही बैठता है, अगर उसके पास नहीं है तो वो अपने महाराष्ट्र का रहवासी नहीं होता है, इसलिए सबसे पहला उसको यहाँ पर रह के उसको राशन कार्ड आधार कार्ड बनाना ज़रूरी है। ये बनाने के बाद में हम उनकी पूरी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कैंसर पेशेंट हो, हार्ट का हो या किडनी का, कोई भी हो छोटे से लेकर बड़े तक, हम उनका योजना में उनका इलाज कर सकते हैं। इरफान भाई, ज़्यादातर देखा गया कि अभी मुमरा के अंदर जो भी है उनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो यूपी वगैरह से आके बसे, हाँ, अगर ऐसी स्थिति में उनको कोई क्रिटिकल बीमारी हो जाती है या कोई ऐसी परेशानी आती है तो उसके लिए किस तरह की हेल्प आप कर सकते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी बताओ, रिपीट करो कि जो आपके नगर सेवक है, कॉरपोरेटर, आप उनसे मिलके संपर्क करके राशन ऑफिस में जाके सर को रिक्वेस्ट करके बना सकते हैं राशन कार्ड, जो मेरा पैसा खर्चा होगी बनेगा आपका, क्यों नगर सेवक हम चुनते इसी के लिए चुन लिए तुम।